नमस्कार, अपन विशेष में स्वागत है। राष्ट्रीय सभा के चुनाव माघ 24 गते होब जा रहा है। प्रदेश नंबर 2 के बात करी तो प्रदेश नंबर 2 में सब निर्विरोध भ गेल छै। आन ठाव में चुनाव होब जा रहा है। करीब करीब 24 गोटे निर्विरोध अखन धर भ चुकल छै दलीय सहमति के आधार में। राष्ट्रीय सभा केहन किस्म के होब जा रहा है, केहन किस्म से निर्माण होब जा रहा है, आई अ विषय में बातचीत कर जा रहा है। एकर संगी समसामयिक राजनीतिक विषय में सेहो बातचीत हेत। एकर लेल आई स्टूडियो में बजौने छे महेंद्र कुमार मिश्र के, ओ पूर्व सांसद तथा राजनीतिक विश्लेषक छथि। मिश्र जी, कार्यक्रम में स्वागत करै छी। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय सभा के चुनाव होवे जा रहल छै। सबसे पहले राष्ट्रीय सभा के बात करी तो राष्ट्रीय सभा की छै? एकटा राष्ट्र में 2048 साल से दू सदनात्मक संविधान में दू सदनात्मक व्यवस्था कयने छै। दूटा सदन होइ, अपर हाउस और लोअर हाउस, राष्ट्रीय सभा और प्रतिनिधि सभा। ओ एम्हराके लोकतांत्रिक गणतंत्र के बाद सेहो ई अवधारणा संविधान में छै जे राष्ट्रीय सभा और प्रतिनिधि सभा, अपर हाउस लोअर हाउस। दू सदनात्मक के बात जे भेलै तऽ दू सदनात्मक व्यवस्था किया कयल गेल छै? लोकतंत्र के अभ्यास के बात करी तऽ किया एहन किस्म के व्यवस्था किया कयल गेल छै? एक तऽ किछु अहाँके हमसब तऽ विदेश के बेसी नकल कयली जी, आ खास कऽ एहिठमन पड़ोसी देश भारतो मे अपर हाउस और लोअर हाउस छै, जेकरा लोग अपर हाउस के एडल्ट हाउस कहै छै, एडल्ट हाउस बुजुर्ग के हाउस, परिपक्व, हाँ परिपक्व लोग के हाउस कहै छै। तऽ ओहि ढंग के अवधारणा ओहूठम छै और अन्य मुल्क में सेहो छै। ओहूठम आयल चेक एंड बैलेंस करय लेल जे प्रतिनिधि सभा के जे सांसद सब जीत के जाइ छथि तऽ भऽ सकै छै जे इमेच्योर्ड होइ, परिपक्वता नहि होइ। बहुत जगह ओ मिस्टेक अगर कैलकै, बहुत जगह अगर कोनो कोनो बुंदा छुटलै अथवा कोनो मुद्दा छुटलै चेक करत, तो चेक कर लेल अभिभावक के भूमिका निर्वाह करत, मतलब प्रतिनिधि सभा के अभिभावक भेले की? हां, अभिभावक जका जी। जेना कि आब उम्मीदवारी पड़ चुकल छै, आब चुनाव सेहो होब जा रहल छै, किछु ठाम निर्विरोध भऽ गेल छै। प्रदेश नंबर 2 के बात करी तऽ 8 के 8 निर्विरोध भऽ चुकल छै। प्रत्येक प्रदेश सँ 8-8 गोटे चुनाय वाला छै, ओहिमे सँ 56 गोटे 3 गोटे राष्ट्रपति चुनतै। तऽ जे उम्मीदवारी सब पड़ल छै तऽ उम्मीदवारी या उम्मीदवार सबके देखला सँ मतलब जेहन किस्म के एकटा सोचल गेल छै कि राष्ट्रीय सभा एहन किस्म के हेबाक चाही, तऽ तेहन छै, ओहन किस्म के स्वरूप बन जा रहल छै? एकटा की कहल जाय, कोनो सांसद जे आबि रहल छै तऽ राष्ट्रीय सभा में सब अपर हाउस के लोग हेता, हुनका हम अनादर नहि करय चाहै छी, लेकिन अखन तक लेल जे दू नंबर प्रदेश में जे राष्ट्रीय सभा के 8 मनोनीत मैंने भऽ के आयल हेथिन निर्विरोध, आ जे और अन्य जिला में और जिला में तो सेहो भेलै निर्विरोध है, और निर्वाचन में जे लोग सब छथि अन्य प्रदेश सँ, हुनका सबके जे चेहरा देखला के बाद, बायोडाटा देखला के बाद, हुनका सबके परिचय बुझला के बाद जे अवधारणा लऽ कऽ ई अपर हाउस बनल छै माने राष्ट्रीय सभा बनल छै, तकर प्रतिनिधित्व करय वाला व्यक्ति सब हमरा ओहिमे बहुत कम बुझायल, बुझलिए कि नहि? हम धुनसे से देखलियै तेहन तेहन चेहरा, हम नाम नहि कहऽ चाहब, लेकिन एहन चेहरा छै। तऽ राष्ट्रीय सभा में केहन किस्म के व्यक्ति के प्रतिनिधित्व हेबाक चाही आ केहन किस्म के व्यक्ति के प्रतिनिधित्व भ रहल छै? अहाँके राष्ट्रीय सभा के अब धरने वही लागि आयल, जेना अपने कहलियै एडल्ट, जे एडल्ट लोग अबै, हर क्षेत्र में ओकर अपन विशेषज्ञता होई, भाषा संबंध में होई, चाहे इंजीनियरिंग साइड में होई, चाहे और क्षेत्र में होई, जे एकटा ख्याति प्राप्त कयने होई, एकटा अपना ढंग के प्रतिभा देखाल, ख्याति प्राप्त होई, और कम से कम राजनीतियों में बहुत लंबा सफर केने एकटा बुजुर्ग विशेषज्ञता हेबाक चाही, विशेषज्ञता होबे के चाही, से विशेषज्ञता आइ बेर के राष्ट्रीय सभा में हम नहीं देख रहल छी।
मतलब जे अवधारणा से राष्ट्रीय सभा आनल गेल तो अवधारणा के नहीं भरल तेहन स्वरूप नहीं बनल तेहन नहीं बुझल हमरा जे हमरा व्यक्तिगत पूछब तो हम ओहन नहीं देख रहल छी जे तो राष्ट्रीय सभा जे सोच से बनल गेल छै तो एहिमे समस्या की छै जेना कि संविधान के बात करी तो संविधानों में ई बात नहीं कहने छै संविधान में गुणात्मक या कही तो गुणात्मक बात किछु नहि कहने छै परिणात्मक बात सब कहने छै कि 59 सदस्य होक चाही 56 एना के निर्वाचन होक चाही 3 राष्ट्रपति करतै तो एहन किस्म के बात सब मात्र कहने छै मतलब गुणात्मक बात सब किछु नहि कहने छै कि एहन किस्म के मतलब ख्याति प्राप्त देश विदेश में ख्याति प्राप्त विशेषज्ञ तेहन बात सब नहि हेबाक चाही तो एहिमे दल के गलती की एहिमे दल के गलती एहि दुआरे जे दल सबके जे ई दल सब तो कैलकुलेट छै ई मधेशवादी दल जे एम्हर आयल तऽ राजपा या फोरम हुनका ओहि सम्बन्धमे ओतेक अथी के जे जानकारी नहि होइ अथवा ओते अनुभव नहि होइ हालांकि लागल छै तऽ ओहो सब बहुत पहिले सब पार्टी ओहो सब विभिन्न पार्टीसँ प्रतिनिधित्व कयने छथि हुनको सबके अनुभव होबक चाही जे राष्ट्रीय सभा कैले तऽ ई तऽ एकटा दिशा निर्देश यहाँ देखल गेलै ने जेना 2047 साल के संविधान के बात करी तऽ 2047 साल के संविधान में स्पष्ट रूप में लिखल छै कि राष्ट्रीय सभा में एहन किस्म के व्यक्ति आवक चाही मतलब ओहिमे कहल गेल छै लेकिन अखनका 2072 साल के संविधान के बात करी तऽ ओहिमे ओहन बात कहने नहि छै नहि कहने छै आ ओहिठाम नेता टूटी तऽ ओते भेलै नेता सबके संविधान निर्माण करबे में या राष्ट्रीय सभा के जे धारणा एलै ओहिमे नेता सबके बहुत बड़ा चालाकी छै जेना अखन बड विरोध भेल समान पार्टी के देश भर में समान पार्टी के बड विरोध भेल जे समान पार्टी कैला ई नेता सबके आसे पासे नेता के आशीर्वाद से कृपा से ई सब अवैक तेहन एकटा रास्ता बनेलक नेता सब जे के चलते आई समान पार्टी होय चाहे राष्ट्रीय सभा होय राष्ट्रीय सभा में सेहो नेता सबके अपन चलाकी छै अपन बुद्धियारी छै या अपन छल कहू जे अपन नजदीक के लोग ओकरा हम केकरा केना ला सकबै एकटा रास्ता ओ केना कऽ एकटा गली बनलकै जे ओहि गली में हम अपन आसे पासे या मतलब ई कही कि स्थानीय चुनाव में कही या प्रदेश के चुनाव में कही जे सब नहीं अटा सकले या कोनो कारण से छूट फूट गेलै हुनका सबके राखक के एकटा ठाम भ गेल छै नहि अखन तऽ जे नेपाली कांग्रेस पार्टी अथवा एमाले जे निर्णय कैलकै यऽ जे एहि निर्वाचनमे अभी जे गत निर्वाचन सबमे जे लोक सब पराजित भेल छथि अथवा उम्मीदवार रहै तऽ अलग बात भेलै मतलब कोनो कारण छूटि गेल होइ तेकरा सबके हाँ कोनो कारण छूटि गेलै या कोनो छूटि गेलै केकरो तैयार टिकट नहि भेटल होतै हाँ मेयर के चुनाव में टिकट के होते विधायक के चुनाव में टिकट के समावेश कैल के है लेकिन हरलाहवा सब के जे प्राय जे उम्मीदवार सब तो दल सब अपन अपन मापदंड तोकने से अपन अपन मापदंड तोक कर जी ओई ढंग से कैल के है लेकिन ओई ठम कहली ने जे सब चाहे छै जे अपन अपन लोग आवे और ई विकृति एकटा पार्टी में नहीं छै हम खास कर एकटा पार्टी से जुड़ल लोग छी जी बुझलिए कि नहीं हम पार्टी के नेपाली कांग्रेस पार्टी से जुड़ल लोग छी तो नेपाली कांग्रेस पार्टी के संबंध में हम कहब जे वास्तव में नेपाली कांग्रेस पार्टी के इतिहास सब दल नेपाली कांग्रेस मात्र नहीं एमाले सेहो बनौने छै एकटा मापदंड बनौने छल कि राष्ट्रीय सभा में ई व्यक्ति एहन किस्म के आवक चाहि सके कत हमर अजय जी हमर कहब की छल जे नेपाली कांग्रेस पार्टी अथवा एमाले जी ई दुनू एकटा राष्ट्रीय पार्टी छै माओवादी सेहो राष्ट्रीय पार्टी छै अखन तो राजपा फोरम से राष्ट्रपति भ गेल तो हम अइ दू गो दल के तत्काल हम बात नहीं करब ये तीन गो दल मतलब तीनों में दू टा दल नेपाली कांग्रेस पार्टी और एमाले तो बहुत पुरान पार्टी है इतिहास बोकने मतलब लदने पार्टी है ऐतिहासिक पार्टी है बहुत लंबा संघर्ष करके आयल पार्टी है हरेक कालखंड अनुभव बहुत कि कहे छै ऊंचाई चढ़ाई सब देखने छै पार्टी सब तो हुनका सबके जे जखन आबि रहल छै तो बुझाइ छै जेना सैद्धांतिक विचलन में ई पार्टी सब जे कतौ से अपना अपना लोग के समावेश कऽ सकी तेहन ढंग सँ पार्टी के सिद्धांत आस्था और पार्टी के जे प्रति जे प्रतिबद्धता होइ छै तेकर कोनो मूल्यांकन नहि तो भले संविधान में नहि राखल गेल होय कि केहन किस्म के व्यक्ति अयबाक चाही से संविधान में भले नहीं राखल गेल होय
लेकिन दल सब तो अपन अपन मापदंड बनो विवेक प्रयोग लेकिन आब रहले कि उ दल सब जे सजे जे चेहरा गेले जे उम्मीदवार सब बनल छै वास्तव में दल सब अपन मापदंड जे अनुसार बनोले छै ओय अनुसार के चेहरा पठलकै कि नै पठलकै नै हम अखन नै देख रहल छ माने ओय में किछ रिजल्ट आला के बाद बुझतै जे के चेहरा सब कोन कोन छै उ त अंतिम स्वरूप हेतै हां लेकिन अखन जे जे दृष्टिकोण से राष्ट्रीय सभा के अवधारणा आयले जे राष्ट्रीय सभा सेहो राखल जाए जकरा एडल्ट हाउस हम सब कहै छी एडल्ट हाउस बुजुर्ग हाउस तो ओहि ढंग के बुजुर्गियत वाला लोक सबके त नै देखै छी बहुत कम हेतै त एकर दीर्घकालीन असर की पड़ सकै दीर्घकालीन असर आम जनता में एकटा वितृष्णा हेतै संविधान प्रति हेतै बहुदल प्रति हेतै एहिठमन के जे गणतंत्र एलै लोकतंत्र एलै ते प्रति लोक के वितृष्णा हेतै एकटा बोझ भार थपल जे अनावश्यक बोझ आर्थिक बोझ मतलब राष्ट्रीय सभा केला चाहे सीओ प्रश्न उठ सके है राष्ट्रीय सभा किया चाहे सीओ प्रश्न उठ सके जन समानुपाती के व्यापक विरोध भेल छले से पहले कि नै जे समानुपाती कैला समानुपाती कैला समानुपाती के नै राखल जाय हालांकि समानुपाती एकटा दृष्टि राखि के ओकर अवधारणा आयल छै जे एहिठमन जे वास्तव में निर्वाचन में अथवा टिकट पैला के बाद किछु एहन व्यक्तित्व सब रह जाए छे जकर हाउस में जकरा ओहि सदन में आवश्यकता छे जब इंडियो सब में देखे छे जे आवश्यकता रहे छे बहुत लोग एहन है जब ओना तो अभी जीत के अटल बिहारी वाजपेयी से हो सब दिन रहले हाउस में एहन एहन बहुत लोग सब छे जकर हाउस में जरूरी है छे इससे पहले हम देखलिए जे माधव नेपाल जी हार गेल रहत उनका लायल गेल जे नहीं एहन एहन व्यक्ति के व्यक्तित्व सब के आवश्यकता है हाउस में एहन एहन बहुत लोग अबे छे जकर आवश्यकता हाउस में रहे छे वो आवश्यकता अनुसार तो आवश्यकता देश के आवश्यक हो देश के आवश्यकता तेहन व्यक्ति के आना चाहिए राष्ट्रीय सभा में एकदम सही बात लेकिन अई जब भ गेले की दल के आवश्यकता दल के आवश्यकता से देखल गेल एकदम सही बात तो ऐसा आब जना कि राष्ट्रीय सभा जना अपने कहले कि एडल्ट हाउस नहीं एकटा मतलब अभिभावक के भूमिका जे निर्वाह क सकिए वो राष्ट्रीय सभा चेक एंड बैलेंस के काज करते जे प्रतिनिधि सभा से किस त्रुटि हेते या किस हेते या कोनो विधेयक सब के बात रहे तो सलाह सुझाव सब देते एकटा वो बात भेलै अगर समानांतर किस्म के अगर चेहरा अगर देखल जाए दुनू में राष्ट्रीय सभा आ प्रतिनिधि सभा दुनू में जना कि जे हिसाब से बात अपने कहले कि ख्याति प्राप्त ओहन व्यक्ति सब नहीं देखल गेलै है अगर समानांतर चेहरा देखल जाए तो ऐसे द्वंद से खड़ा भ सके कल ओकर कोनो गारंटी नहीं भ सके छे लेकिन हमरा कह कि हवे जे बहुत लोग एहन छे यहाँ के पार्टी में नहीं छे ना नेपाली कांग्रेस पार्टी में है ना एमाले में है ना माओवादी में ना है आ न मधेशवादी दल में है बहुत एहन प्रतिभा सब छे जकर आवश्यकता छे हाउस में एहन विशेषज्ञ सब छे जकर आवश्यकता होते हाउस में कारण हम एकटा राजनीति कर्मी झोला बोई के सब दिन संघर्ष करत रहली आ हमरे सब चीज अनुभव ते से गारंटी नहीं गारंटी नहीं गारंटी नहीं है हम एकटा राजनीति के विश्लेषण कर सकै छी लेकिन सड़क संबंध में अगर कोई बात करे विज्ञान प्रविधि के संबंध में बात करे शिक्षा के संबंध में बात करे कृषि संबंध में बात करे तो विशेषज्ञता हमरा ते नहीं है एहन एहन विशेषज्ञ सबके जरूरी छलै ओहिठमन जे एहिसँ पहिलहु बहुत चर्चा रहै जे विशेषज्ञ सबके कम से कम ओहि हाउस में राखल जाए जे एकटा परिपक्व राष्ट्र के रास्ता दऽ सकै परिपक्व एकटा निर्देशन निर्देशित कऽ सकै राष्ट्र के सुझाव दऽ सकै तऽ तेहन ढंग के तऽ ओहो समय में नहि भेलै अखनो नहि भेलै सुझाव दिअ वाला तऽ एकटा एज फैक्टर मात्रे देखल गेलै नहि एज फैक्टर नहि अनुभव से 35 वर्ष जना तोकि देने छै संविधान में कि 35 वर्ष हेबाक चाही राष्ट्रीय सभा में सदस्य हां सही बात छै तऽ ओ कभी उमेर कोई हमर नेता महामानव बीपी कोइराला कहने रहथिन जे एकटा उमेर से युवा नहि होइ छै युवा में जे एकटा युवा के जो शक्ति होइ छै ओकर स्टेमिना जो होइ छै ओकर स्फूर्ति जो होइ छै ओकर कार्यक्षमता जो है ओकर क्रियाशीलता जो होइ छै ओकर चेतना जो होइ छै से एटा युवा सन होबक चाहिए तहिना अहाँ के उमेरे से ओ परिपक्व भ गेलै तहू से हम सहमत नहीं छी लेकिन जे चेहरा देखलिए
हम कहब जे हम पूरे 77 जिला के देखलिए हम से नहीं कह रहल छी लेकिन जे हम धनसे में जे हम देखलिए जे चेहरा सब बड़ा पीड़ा भेल ये अपर हाउस के तो ये सरासर अपमान जगह है ये अपर हाउस के ये स्वरूप है जे स्वरूप अखन देखा रहल छी लोग जी तो आब अपर हाउस के स्वरूप ओहन नहीं भ रहल छै एक किस्म से कहे तो प्रतिनिधि सभा जका प्रतिनिधि सभा के जेहन किस्म के स्वरूप छै ओहने ओहने किस्म के ओहने ओहने चेहरा सब देखल जा रहल छै तो अइ सब बाद में जाकर जे काम कर्तव्य जे हेते जे बिजनेस सब रहते वो जे बिजनेस हेते वो जा तो बिजनेस में समस्या हेते कि ना जेना बीडी के पास कर बात हेते या कोनो भी बात भ सके तो ओमे अपर रहते जेन किसी के अपर के बात कर रहा कि अपर एडल्ट नहीं तो अगर ओहन किसी के नहीं भेला पर सुझाव के ना देते हम तो दबाव दे वाला बात हो अजय जी हम एक अनुभव कही कारण 10 वर्ष हम अपर हाउस में रहे अपने 10 वर्ष रहा 10 वर्ष राष्ट्रीय सभा राष्ट्रीय सभा में रहा और राष्ट्रीय सभा हम 10 वर्ष रहे तो 8 वर्ष हम अपना पार्टी के प्रमुख सचेतक रहे व्हिप जेकरा कहे छी हम नेपाली कांग्रेस पार्टी से हम व्हिप रहे हमर अनुभव है जे कानून संबंधी विधेयक अथवा कोनो विधेयक अब जरा हम सब बिजनेस कहे छे वो बिजनेस जे टेबल हुए तो हम सब एक सरसरती नज़र से विधेयक पर छल पल करिए लेकिन एक कानून भी जो ओहिठमन बुंदा निकाले कौन दफा से कौन दफा प्रभावित भ सके छे ई ज्ञान हमरा तो नहीं है तो कोनो कानून विद के होते तो एहनो एहनो बिजनेस एहनो एहनो विधेयक सब हाउस में अबे छे जे हमसब मुँह तकैत रहि गेली जे वास्तव में कहै छी तऽ ठीक कहै छी ओहन किसिम के विज्ञ सब के ओहन ओहन विज्ञ सब के आवक छै मतलब ई अहाँ के अनुभव छै जेना कि 10 साल अहाँ एकदम रहली राष्ट्रीय सभा में 2048 तक लक 58 तक अहाँ रहली राष्ट्रीय सभा में तऽ एकटा अनुभव मतलब एहन किसिम के आओर कोनो एहन अनुभव सब जे मतलब एहन किसिम के हेबाक चाही पहिले एहन छलै या आब एहन होबय जा रहल छै आब होबय जा रहल छै ने अखन जे प्रतिनिधित्व होबय जा रहल छै ताहिमे हमर कनि असंतुष्टि जरूर अछि जे एहि ढङ्गसँ नहि होबक चाही आ कमसँ कम जे अनुभवी लोकसभ छथि जे कहली जे विभिन्न क्षेत्रसँ जे अनुभवी लोकसभ छथि हुनकर राजनीति लगानी होइ नहि होइ कोनो पार्टीमे आबद्ध होइ नहि होइ एहन व्यक्तिसभके आवश्यकता छलैए एहन व्यक्तिसभके अयलाके बाद एकटा हाउसके अपनो गरिमा होइत अपनो एहिठाम इंडिया में देखे छे अपर हाउस के अवस्था अपर हाउस के देखे छे सदन मैंने सदन चलत हम तो एक अलगे ढंग के बिहार रहे वाह रे वाह कि अपर हाउस एहिठाम तो एहिठाम तो सब विधायक पर दफावार कारण सदस्य संख्या कम रहे छे हमरा सबके समय में 65 रही है अभी 59 है तो 59 में तो दफावार छलफल करे में तो बड़ा आसान रहे छे कि नहीं दफावार 10 दिन राखि देलिए प्रत्येक व्यक्ति बाजऽ पैल प्रत्येक व्यक्ति ओकरा अध्ययन करऽ पैलके आ ओ अध्ययन कऽ कऽ दफावार छल फल भेल हरेक बुन्दा जे है तकरा हमसब कुटिया कऽ देखैत रहल जे कतऽ कतऽ एहिठाम कमी है तऽ हमरा सबके जते क्षमता रहल तते हम कुटिए मने ओकरा कुटिएली आ जे हमर क्षमता नहि है दोसर के क्षमता है ओ कुटिएलके अथवा कोई कानूनविद छै अथवा कोई विशेषज्ञ छै तो ओकरा ओहि ढंग से देखलक तो अइ ढंग सब परिपक्व भ कऽ ओ विधायक जे कभी कभी विधायक जे है से राष्ट्रीय सभा से जाइ छै राष्ट्रीय सभा से सेहो जाइ छै विधायक आ बहुत अक्सर अहाँ विधायक जे है से प्रतिनिधि सभा से जाइ छै तऽ प्रतिनिधि सभा से जे विधायक गेल तऽ राष्ट्रीय सभा ओहिपर छलफल कयलक दफावार छलफल अथवा समिति बना कऽ जे 10 गोरा हरेक पार्टीसँ 10 गोरा एहिमे बैस कऽ 11 गोरा बैस कऽ ओहिपर दफावार छलफल कयलक तहिना राष्ट्रीय सभासँ जे गेल प्रतिनिधि सभामे ओहिना दफावार छलफल भेल आ ओहिठामसँ तऽ ओहिठाम संख्या तऽ बेसी रहै छै आब भविष्य की देख रहल छी राष्ट्रीय सभाके अगर एहन किसिमके प्रतिनिधित्व अगर होय जेना अपने कहलियै कि जेहन हेबाक चाही तेहन नहि भऽ रहल छै वास्तव में ओकरे निरंतरता देल गेले तो बाद में जा की हेते हम अखन ओना भविष्य इते संविधान संशोधन का कई प्रावधान सब राखल जते इस अहां के इससे पहले वो प्रावधान कत रखते लोग इससे पहले हम कने ले जे ई समानुपाती के बड विरोध भेले भेले जे नहीं संविधान माने की कहे जे समानुपाती के स्वरूप चेंज कैल जाए अब बेर चला की अहु बेर ते ले या अब बेर भेले की अहाँ सरस्वती सब जिलासँ क्षेत्रसँ नाम लऽ कऽ केन्द्र पठा देलियै
जे ई व्यक्ति सब समानुपातिक भेल अब समानुपातिक में नंबरिंग भेल निर्वाचन आयोग नंबरिंग कल की जे ई एक नंबर दू नंबर तीन नंबर चार नंबर पाँच नंबर आ वही में उ जे ओकर क्राइटेरिया जे छे जे अहाँ के जनजाति दलित अल्पसंख्यक महिला मधेशी ई सब छुटियाब के तो वही मिलब में अपन अपन ढंग से अपन मिलेलक उम्मीदवार के जे हमर के नजदीक के लोग सब है ता वास्तव में राष्ट्रीय सभा के कायल अही ढंग से होत चलले त राष्ट्रीय सभा के एकटा गरिमा होय छे गरिमा पर आघात पहुंचते एमे सुझाव की दियो चाहिए की करबाक चाहिए त एकर संविधान संशोधन न हम तत्काल एहि सब या दल सब में ओहन किस्म के सोच सबसे पहले दल सब में सबसे पहले तो बाध्यकारी केनाई तो जरूरी सो छले ने संविधान में अगर उ चीज रहते हां तो दल सब बाध्य भ जाए हां दल सब के तो अपन विवेक प्रयोग करक चाहिए दल सब के सो सोच के चाहिए जे ने विवेक तो प्रयोग करे छे मापदंड तो अपने अपने तोकने छे सब दल मापदंड तो तोकने है लेकिन उम्मीदवार तो कम है जे विवेक शून्यता जो करा सके देखल जाए छे सेवा गले कागज की विवेकहीनता देखल जा रहल छे उ निक बात नहीं भेल जी तो बातचीत के क्रम जारी रखबे तो दर्शक बिंद अखन छोटका ब्रेक लड़ल छे ब्रेक के बाद फिर बातचीत के क्रम जारी रहते ब्रेक के बाद कार्यक्रम में स्वागत करै छी आय स्टूडियो में छथि महेंद्र कुमार मिश्र पूर्व सांसद आ राजनीतिक विश्लेषक जना मिश्र जी आप कनी प्रसंग बदलल जाए संघीय संरचना में देश आगा बढ़ चुकल छे 60 प्रदेश निर्माण भ चुकल छे प्रदेश सभा के चुनाव भ चुकल छे आ प्रदेश सभा के बैठक से हो बैसत जा रहल छे माघ 21 गते से करीब करीब सब ठाम में बैठक माघ 21 22 तेना के डेट सब तुकल गेल छे केना लग रहल छे अपने जना पहले काज क चुकल छे राष्ट्रीय सभा में अपने रह चुकल छे पहल का संरचना देख चुकल छे आब ई नया संरचना में देश जा रहल छे एटा ऐतिहासिक परिवर्तन भी जे भेले जे संघीय संरचना में हम सब गेलिए बहुत नेपालो से बहुत छोट मुल्क सब एहन सब है जिठम जनसंख्या बहुत कम है छोट भूभाग है फिर भी ओहिठमन अहाँ के संघीयता कायम रहले आ संघीयता ओहिठमन बहुत निक से अभियो उड़न कर रहल छे बहुत निक से संचालन भ रहल छे हमरा सबके ओहिठमन जे सात प्रदेश के अवधारणा एले सात प्रदेश में हम सब अखन छी और सात प्रदेश जे अगर ईमानदारी से सात प्रदेश अगर काज निक से क सकले तो काल्हिखनी ई नेपाल नया नेपाल बनते एकटा स्वर्ग जका नेपाल बनते जौं एकरा हम ईमानदारी से काज कर सकलिए जी संरचना तो बनि गेल छै लेकिन एखनो मतलब आपत्ति तो जनाब रहल छै जेना मधेश के दल के बात करी तो पुनर्संरचना के बात सब उठाबि रहल छै एखनो उठाबि रहल छै संविधान संबंध में राज्य पुनर्संरचना के विषय में सात प्रदेश के जे अवधारणा जे ते हिनका सब के अवधारणा अखन तक प्रश्न नहीं भ रहल छै जे आंदोलन शुरू भेले ते एक मधेश एक प्रदेश के बात कर लेती सब हम सब बहुत समय में कहल जे ई उपयुक्त नहीं हेतै उचितगर नहीं हेतै ते द्वारे एकरा बल्कि तीन टा कहल जाए उ ठीक रहते आ उ एकटा संभव नहीं है कारण एकटा पर अरल रहबे तब न आ तीन टा के हमसब जे मांग केने रहतिए अहाँ सब कहै छलियै तीन टा मने हमसब एना तो नहीं अलिए लेकिन हमरा सबके जे हमसब सुझाव साथी सब में जे दै छलिए अथवा कहीं जे सार्वजनिक जगह पर अभिव्यक्ति अभी छलिए तो हमसब कहै छलिए नहीं सात प्रदेश में हमसब लऽ गेलिए तो कम से कम मधेशो के तीन टा में रखे कि नहीं जे तीन टा में रहती तो ये दूसर गति से विकास कर सकती कि जी जना कि राष्ट्रीय सभा के उम्मीदवार चयन के जखन बात छले सहमति जुटाबे के बात छले तखन वाम गठबंधन जोड़े सहमति नहीं जुटले तो एकटा ओहो एकटा देखल गेले कि राज्य पुनर्संरचना में सहमति जुटाबे पड़ते तीन किसिम के दबाव तो मधेश के दल तो देना एखनो नहीं छोड़ने से बात तो आई नहीं रहा है एखनो तो ऐसे की हेतु बाद में देखल जाए तो एक तो बात भले कि सात प्रदेश के संरचना है ओकरा व्यवस्थित कैल जाए आ दोसर देश राज्य पुनर्संरचना जे छै एकरा सीमांकन हेरफेर के बाद ओहो पर मधेश केंद्रीय दल सब अड़ान कायमे रखने छै तऽ एहिसँ की प्रभाव पड़ि सकैए
एटा की छे आके मधेश आंदोलन जे शुरू भेले हालांकि मधेश के मुद्दा ऐसे नहीं उठ रहले अब क्यों कहे छे गजेंद्र नारायण सिंह स्वर्गीय गजेंद्र नारायण सिंह जी हमरा सबके आदरणीय लोक छथि बहुत पहले नेपाली कांग्रेस पार्टी में रहित लोग हो और उनका संबंध में कहे छे जे नहीं मधेश के मुद्दा वो उठेलखिन हम खास कर व्यक्तिगत जखन तक जे हमरा सबके पुरखा राजनीति राजनीतिज्ञ सब जे छथि हुनका सबके देखला के बाद हमरा भाई कि नहीं मधेश के मुद्दा आई नहीं उठल छै मधेश के मुद्दा 15 साल में उठल छै जो मधेश के मुद्दा नहीं रहते उठल तो राम नारायण मिश्र वो समय में फैक्ट्री जनकपुर चुरोट कारखाना नहीं बनावा सकते थे वो समय में ये जनकपुर चुरो माने चुरोट कारखाना सिगरेट फैक्ट्री जनकपुर में होब के चाहिए काठमांडू में हिंदा सबके अपना वृत्त में से हो बहुत बड़ा संघर्ष पहले बहुत लांछलान लगले हिंदा पर राम नारायण मिश्र जी पर कि मधेशवादी कुरागर्नुहुन्छ मधेश तीर बड़ी आकर्षण फैक्ट्री धनकुट्टा जानु पर्छ त्यो सबैले मैं रामनारायण बाबू पर बहुत आरोप सब लगले फिर भी रामनारायण बाबू राजनामा दऽ दलखिन मंत्रिमंडल उद्योग वाणिज्य मंत्री रहथिन उ राजनामा दऽ दलखिन जो हम जनकपुर में चुरोट कारखाना नहीं ला जा सकब तो हमरा मंत्री नहीं पद चाहिए मंत्री बनके की हेतु जनता हमरा लेल शोकत हुए तो ई मधेश मुद्दा के बात करी तो मधेश के हित के बात करी तो पहले से नेता सब लागल छै लागल ई बहुत पहले से लागल छै एकदम छै तो रहले अखन का बात अखन आब जे अखन सात प्रदेश के जे एकटा समस्या बन चुकल छै आब एकरे व्यवस्थित केनाय जरूरी छै कि आइ में फेर बदल के आवश्यकता छै देखो मधेश के मुद्दा जो उठल है मधेश के जो बीजाकरण या हक अधिकार के लिए वो वहाँ के वृक्ष के रूप ल रहा है वो किनको चाहने हम ही चाहबे अथवा हमरा सबके आदरणीय नेता छथि उपेंद्र यादव जी या मोहन ठाकुर जी अथवा राजेंद्र महतो लगात जो मधेशवादी दल कहे छथि अपना सबके हिनको सबके रोक माने रोकने नहीं रुकाय वाला छै जे मधेश के एकटा जन जन में एकटा जे चेतना आयल है उ जे है से सुसुप्त अवस्था में नहीं रहते उ अचेत अवस्था में नहीं जते और उ आई निकाल अपन अधिकार प्राप्त करबे करते हमरा एकटा चीज कह कि हवे जे भारत में सेहो स्वतंत्रता के बाद बहुत कम राज रहे और धीरे धीरे संविधान जो ये भारत के संविधान जो बनले तो भारत के संविधान से हो लगले संशोधन मिले और अखन तक ले संशोधन मतलब सात एटा नहीं रह जते बढ़े जते बढ़ियो सके या घटियो सके से समाप्त तो ते द्वारे संविधान तो परिवर्तनशील है तो परिवर्तन होते रहते कोई जरूरी नहीं है जी अखन का संरचना पर अपने के प्रतिक्रिया की छे ई दुनोर प्रदेश जे छे हां हां जना तो देखे रहल छी अखन विवाद सेहो चढ़ि रहल छै राजधानी कतऽ राखल जाए ई विवाद सब हमरा विचार से हिनका सबके बीच में ई विवाद नहीं आबक चाही अखन ते ओ राजधानी के विवाद हालांकि बीरोगंज अही में छै बीरोगंज के समत के प्रयास हमरा सबके होबक चाही कारण बीरोगंज विकसित जगह है हम सब राजधानी मांग आई बीरगंज आंदोलन कर रहल छी 5 साल पहले तेरामान चौक पर 5 आदमी शहादत देने जनकपुर के लेल तो जनकपुर में राजधानी मुद्दा कता हरा गले मिथिला राज्य चाही सेहो तो देखो मुद्दा हेरले ने लोग प्रतीक्षा में है बम विस्फोट के घटना भेले ते के बाद पूरा सिरा गले तो मुद्दा के हम समझ में नहीं कहब लेकिन मुद्दा के जे एकटा प्रतिफल आवक चाही से आबि रहल छै कि नहीं अखन थी तो मिथिला राज्य जनकपुर में मिथिला अखन नामकरण तो नहीं भेले अखन राज्य के भूखंड सेहो नहीं छे ने मिथिला राज्य वाला जे एकटा भूखंड नेपाले के बात करे तो वना तो भारत में सेहो छे लेकिन नेपाल के बात करी तो नेपाल में मिथिला कत से कत छे मिथिला तो बहुत लंबा छे तो भारत छोड़ देबे ते के बाद लंबा छे अब एठमन भ की गेली जे भाषा के विवाद के लक मिथिलो के बैठ रहल अच्छा मतलब अहा ई कह चाहे छे कि बीरगंज सेहो मिथिला में पड़े छे लेकिन भाषा के कारण से अलग छे भाषा के कारण से लोग अलग कर रहल छे हम नहीं कर रहल छी अलग कर रहल छी मतलब झापा से लकर बीरगंज तक के परसा तक के बात करी तो मिथिला से अब एकटा हम एक विशेषज्ञ नहीं छी हम लेकिन बच्चे से एकटा 9-10 के हम रही तहिए से हम सब जे देखे छी जे एठमन अइ भूभाग के
मिथिलांचल के हमसब मिथिला कहै छी अखनो हमरा पूछब तो हम मिथिले कहै छी हम युद्धों के मिथिला के नाम पर आ जनकपुर के नाम पर आ भाषा के नाम पर हम राजनीति नहीं करे चाहे छी ई मिथिला छी ई परापूर्व से ई मिथिला छी और ई मिथिला राजधानी बने ई प्राय आम जनता के जनचाहना है जो राजनीति कर्मी सब में घुसपैठ कर के विष बमन विष नहीं बोए आम जनता में हुआ राजधानी के बात करी तो जहिया अस्थाई मुकाम जे जनकपुर के तुकल के तो रेले अनशन शुरू छे बीरगंज में आ रेले अनशन करे वाला में एमाले कांग्रेस के नेता सब सेओ छे हम के पार्टी के सुरेंद्र प्रसाद चौधरी वो सब तो एकरा कोन रूप में लड़ ओकरा ई रूप में लड़ रहल छी कि स्थानीय स्तर पर मधेश के दल से आरोप लगवे से कांग्रेस एमाले सब एकरा चढ़ा सब ई सब मधेशवादी दल के अपन ओकर बदमाशी कहल जाए तो व्यक्ति तो देखल गेले ने ओय जगह वाले के नेतृत्व में कांग्रेस के नेतृत्व में भरल छै बहुत जगह बहुत बात भ रहल छै कांग्रेस के ओठमन जे जीतल लोग माने हारल लोग छै तथा जीतल लोग छै त स्थानीय जे एकटा लोग के भय है त्रास है आई जनकपुर में राजधानी बीरगंज में जाऊ ना अहिठम के देख लियो लोग के हालत की होती है जीत के गेल छै चुनाव जीत के स्थान के प्रति स्थानीय लोग के एक अपन अपनत्व रहै छै अपनत्व रहै छै आ राजनीति स्टंटो होइ छै जे भाई हम बीरगंज के लेल नहीं बजबे तो कल बीरगंज के लोग हमरा की करत चुनावों के दिमाग में रहै छै तो तहु दृष्टिकोण से बीरगंज के अगर कोनो पार्टी के लोग लागल छै कांग्रेस एमाले भले अंजे करल होय लेकिन देखावटी मात्र से से करल छै यहां हमरा तो से भय मतलब जनता के ओ सब बात मत एकटा वचन देने छले कि हां बीरगंज के राजधानी बने नहीं भ सकले बीरगंज के नेता सब के अथवा रौथट के अथवा कलैया के नेता सब के डर नहीं छे ओ तो बजबे करते कि नहीं देखावटी में बाज रहल हमर ई नहीं है जे बीरगंज राजधानी या जनकपुर राजधानी जनकपुर में अगर दिलके है एटा पौराणिक दृष्टिकोण से जी तो एक ऐतिहासिक जगह है ऐठम बीरोगंज के केना के मैंने सहमति कराएल जाए बीरोगंज के में सहभागिता हुई नहीं तो वो तो नेता सब के प्रतिक्रिया तो एक आबि रहा है कि मतलब ये बीरगंज के प्रदेश के मात्र नहीं कि देश के औद्योगिक राजधानी नीक बात है उद्योग में तो बहुत आगू है उद्योग में तो बहुत आगू है तो दू मत नहीं है लेकिन हम कहियो कहियो अहाँ सबके अठम जो लोकल एफ एम सब आवे हमरा बड़ा मान पीड़ा होते रहे जे ना एफ एम में सुन ली बीरगंज के कोई बाजि के गेल रहे एक अठम के एफ एम में कहल के जे ओ अजय जी ये बादल है बीरगंज वाला है बीरगंजिया हवे ये बिहार से आयल हवे आप कहू नहीं एकदम गलत बात हम कुछ बात बाजे के चाहिए ये बात हमरा मुँह से अगर आवे लगे तो निक बात भले रे बीरोगंज तो है प्रदेश के लोग है उहे तो कहलिए द्वंद सृजना किया भ रहल छै एमे तो आगा जे देखल गेल छै तो कांग्रेस एमाले के नेता सब देखल गेल छै बहन आप खायल होए है ओते से हमरा तो अनुभव ओते नहीं है ओहिठम के लेकिन हमरा भाई हरेक दल हालांकि शपथ ग्रहण करे तो सब आयल छै जी बीरगंज से कलैयो से हम बड़ा गौर से रही देखे जो उम्र के लोग सब आबि रहल छै कि नहीं सब आयल छै आ फिर माघ 21 के बैठक छै अब माघ 21 के बैठक छै सब के आव के चाही बीरोगंज के केना समटल जाय से हम वातावरण हमरो सब बनब के चाही मतलब के प्रदेश सभा के नेता सब के नेता आप तो जबे करते हमरा अहाँ के चिचिया ने किछ नहीं हेतै ओ प्रदेश सभा जे से प्रदेश सभा के बहुमत जत रखती तते हेतै अपना विवाद नहीं करू प्रदेश सभा छोड़ दियौ जब अहाँ के ओहिठम प्रस्तुत संविधान माने संविधान कानून में जो संविधान सभा के बहुमत जे करते से तैयार राजधानी जते से नामकरण होते तो इसमें विवाद करके जरूरी नामकरण की क्या जाए नामकरण की है नामकरण के संबंध में हम की कहब हमरा तो ओहिठम विचित्र बुझाइत रहिए कोई भाषा पर विवाद कर रहल छै कोई मिथिला पर विवाद कर रहल छै कोई जनकपुर पर विवाद कर रहल छै एक से एक जे हुनका सबके प्रतिक्रिया दे रहल छै जे भूखंड भेटल छै ने प्रदेश नॉर्थ के तो ओ की छै वास्तव में मिथिलांचल है मिथिला है भोजपुरा सेहो छै ने भोजपुर हम भोजपुरा एकरा
ताहि दुआरे हम बहुत जगह जे बजैत रहै छी जे जनकपुर संगे मिथिला संगे भोजपुरा जोड़ल जाए तो की हर्ज है नाम की राह जाए से बात है मिथिला भोजपुरा मधेसी दल सब तो मधेस शब्द चाहिए इनका सुख बात हमने मध्य मधेस मधेस वो कहे छथि मध्य मधेस चाही तो मधेस तो ऐ असल ल क 22 गो जिला में छै कि नै तो कै गो मधेस वहां प्रदेश रखबे कै गो राज के अहाँ नामकरण करबे मधेस लेकिन मतलब ई तो अपने मान रहल छी ने जे संरचना बनाओल गेल ई सात प्रदेश के संरचना अगर दू प्रदेश के बात करी मधेसी के बात करी तो ई संरचना विचित्र के बनाओल गेल से तो मान रहल छी ने छै हम तो अपन से कहल जाय हम अहाँ के एकटा चीज ने मिथिला रहले निक से ने भोजपुरा रहले निक से ने मधेस रहले एक समय में हमरा सबके नेता कहू अखन वर्तमान प्रधानमंत्री शेर बहादुर जी हुनका से हमरा भेंट भेल तो हुनका हम सामने में कहलियै जे सात प्रदेश को जे जुन अवधारणा तपाईले ल्याउनु भएको छ त्यो यो सात प्रदेश को अवधारणा मा तपाईको नेताहरुको अनुहार मात्र देखेको छ आम जनता को अनुहार देखेको छैन कहीं ओली को अनुहार देखेको छ कहीं शेर बहादुर जी को अनुहार देखेको छ कहीं भीम रावल को अनुहार देखेको छ कहीं कसई को अनुहार देखा सात प्रदेश को अवधारणा राष्ट्रीय अवधारणा अनुकूल आगे मतलब सात प्रदेश से बनाओल गए तक मापदंड जना के बनावक चाहिए से मापदंड नहीं पूरा कैल गए केहन मापदंड मापदंड विभिन्न किस्म के छे जना कि असामर्थ्य के बात छे पहचान के बात छे सहित के बात सब छे कि दू नंबर के जे प्रदेश बनल तो कौन मापदंड में पड़े दू नंबर प्रदेश तो अहाँ पहले से अहाँ सब एहन झगड़ा कर दिली है दू नंबर प्रदेश हम बहुत दिन विरोध कैन छी जिन में ई आठ गो जिला के एगो राजधानी बनल ई राज बनल बहुत दिन में हम काठमांडू के साथी सब कहलिए हम साथी सब मुँहफट कहले जे ओ हम सब तो एक पंजाब बना देवे हमरा सब पास उ ताकत है हमरा कह वाला लोग वही शांति नगर गेटे पर के साथी सब हम रही अवधेश पोखरल जी रहे एक दू आदमी और रहे और रहित हम के अब कहबे क्या नेता सब से बात भेल तो कहलक जो हम सब पंजाब बना देवे तो एकर पंजाब बनब के हालांकि जनकपुर जे राज हेतु कल तो एक पास संभावना कम नहीं है ये भूखे नहीं रह सके जो एक हर एक दृष्टिकोण से हम सब एक अपेक्षा यो कल गया था कि जे आई तराई के भूखंड में कोनो भाषिक प्रदेश सब बने जना कि भारत में कहल जाए तो भारत में विभिन्न किस्म के जना पंजाब भेले तेके बाद उड़ीसा गुजरात भेले पंजाब भेले आंध्र प्रदेश भेले बहुत छै तो बहुत एहन प्रदेश सब छै बंगाल भेले ने तो जत अपन भाषा अपन उ सब बचौने छै भाषा बचौने छै सड़क पर निकलबे तो ओकरे सब के लिपि में लिखल नै वही भाषा के लिपि में लिखल अहाँ के साइन बोर्ड सब भेटत ओते के भाषा बदल जाइ छै नै तो उ चीज तो नै पोलकै अहाँ के एकटा बात की छै भारत अभी कतेक बरिस पार कर लेलकै कतेक बरिस भ गेलै ओकरा स्वतंत्रता मतलब ये अपने जोड़ चाहे कि प्रदेश बाद में जाकर संख्या बढ़ सके तेहन समय में भ सके ये सब संख्या बढ़ियो सके घटियो सके हम बढ़ते आ होते तय के समय हम संविधान संशोधन तो होत चले से कैल आवश्यकता पड़ते तो बढ़ियो सके आवश्यकता नहीं पड़ते तो घटियो सके अब जखन ते अखन ते कहे छी जे सीमांकन के बात करे छी तो कि मान एकरा जे विस्तारे करते बढ़ेबे करते तो ओहू में तो किछ संख्या बढ़ते कि नहीं ओहू में तो दूटा भ सके छी तीनटा भ सके छी इन काल तो ई संग माने प्रदेश तो बढ़ते मतलब भाषिक या काल आवश्यकता नहीं संभावना छै भाषिक देखियो एटा की है तो माने राजनीति कर्मी अगर ईमानदार भ जाए ई दल सब अगर ईमानदार भ जाए तो एठम भाषो पर विवाद नहीं छै हम सब भाषा में विवाद ला रहल छी हमरा सबके भीतर से एक भाषा पर विवाद कैल जाए एहन तैयारी में लोग लागल जी अब अंत अंत दिस यो चल छी प्रदेश सातो प्रदेश के बात करी तो प्रदेश सभा के बैठक एक गते बैस जा रहा है तैयारी सब देखे होबे केहन किस्म के तैयारी जना के अफड़ा तफड़ी में सब किछ भ रहल छै तैयारी देखत त नै गेलिए केहन लागि रहल छै टीवी सब में देखैत रहै छी सुनैत रहै छी न्यूज सब में जे तैयारी भ रहल छै हमरा तो सबसे पीड़ा भेल ओहि दिन में
वास्तवमे हमरा सभी पूजामे बड्ड पीड़ा भेल जाहिमे ई शपथ ग्रहण भेल। ओ शपथ ग्रहण बेरमे अहाँके ई टुडे टी वी सँ न्यूज दैत रहै, आब अहाँके टी वी शायद नहि रहै ओहिठाम प्रत्येक प्रसारणमे, हम टुडे टी वी रही देखै। टुडे टी वी जे अयलै तऽ एकबेरी माइक सब जे हइ कराकुरु कोनो आवाजे नहि बुझाइ, एहन एहन जगह पर नहि करऽके चाही। अहाँ शपथ ग्रहण कऽ रहल छी, ऐतिहासिक पहिल राज्यके झगड़ो भेलै, हल्ला भेलै आ हमरा बुझायल से हम अनुभव कहि रहल छी। हमरा तऽ पहिले बुझायल जे ई रिफ्यूजी सब जेना बाढ़ि पीड़ित वला होइ छै, भूकम्प पीड़ित वला होइ छै, एक जगह पर आगि तापि रहल छी, अनहार चेहरा मात्र लाल लाल बुझाय, हम जे देखलियै हम कहलियै कथी ई कतौके ई हमरा बुझायल जे दुर्गानन्दके शायद नाटक दऽ रहल। आब सूर्य दिन एकटा जे भेलै अहाँके भाषाके लऽ कऽ भेलै, अपनेमे भरल भेलै, आब काल्हि भाषोके तऽ इएह हाउसे नहि अपन क्लियर करतै, एकरा नकारात्मक रूपमे लेल जा रहल छै ने, मतलब एना विवाद। वएह तऽ कहली जे हम अनुभव बतबै छलियै तऽ ओहिठाम ताहिके बाद हम देखै छी जे शपथ ग्रहण कार्यक्रम, तऽ हम कहलियै ओ आइ शपथ ग्रहण दस रहै, 10:30 रहै, हम कहलियै ओ शपथ ग्रहण सरकारके, तब लगलियै एना कऽ कऽ देखऽ। हम देखलियै जे प्रमुख जी बैसल छथि तऽ बुझायल जेना कोनो संत महंत जकाँ ओहिना आसन गद्दी लागल, ओहन चेयर नहि होइ छै, राष्ट्रपतिके चेयर देखैत होबै, हिनका भरोपर एकटा चेयर नहि भेटलै। तैयारीमे त्रुटि आ उद्घोषण जे होइ तऽ बुझाइल नाटकके मन छै, एहिमे ओहिमे दौड़ियै, ओहिमे हाउस से नहि होइ छै, शपथ ग्रहण भेलै। अहाँ आओर प्रदेशमे देखियौ, ओहि दिनमे हम आओर प्रदेशके देखलियै, तुलनात्मक रूपे खराब रहलै, बहुत खराब रहलै, अनुशासन नामके चीजे नहि बुझलै। हम सांसद सब अनुशासित रहै से हमर नहि कहबै, हमर कहबै जे मंच पर जे लोक सब रहैत उद्घोषणकर्ता अथवा निर्देशनकर्ता, हुनका सबके जे एहिठामसँ ओहिठाम दौड़ बढ़ा देखलियै। आशा करी आ माघ 21 नीकसँ होइ, फेर बैठक बैसल, पहिल बैठक हमरा सबके सौभाग्य अछि, बढ़िआँ जकाँ अनुशासित एकदम खूब नीकसँ तैयारी भऽ जाय, बढ़िआँ जकाँ बैठक बसै बैठे व्यस्त। अच्छा दर्शकवृन्द, ओ छलथि महेन्द्र कुमार मिश्र, पूर्व सांसद तथा राजनीतिक विश्लेषक। आइ बातचीत करै छलियै राष्ट्रीय सभाके जे चुनाव होवऽ जा रहल छै, राष्ट्रीय सभाके चुनावमे आब जे राष्ट्रीय सभाके सदस्य सब छै से केहन किसिमके सदस्य सब आबि रहल छै, एकर दूरगामी असर केहन पड़ि सकैए, एकर सङ्गे प्रदेशके विषयमे प्रदेशके जे प्रदेश सब बनलैए ओहिमे आ प्रदेश सभाके बैठक बैसऽ जा रहल छै, तैयारी सब केहन भऽ रहल छै, एहि विषय सबमे बातचीत करै छलियै। व्यस्त नमस्कार।